नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के दौरे पर हैं और देवीपाटन मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी शामिल हुए। देवीपाटन मंदिर में मुख्यमंत्री योगी ने रुद्राभिषेक किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने थारू समाज के लोगों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से भी इस दौरान मुलाकात की। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रक्षाबंधन के मौके पर बलरामपुर में हैं और देवीपाटन मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है, माता के दर्शन किए हैं। साथ ही साथ इस दौरान तमाम लोगों से भी मुलाकात करते नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की, साथ ही साथ गौशाला पहुंचते हुए उन्होंने गायों को गुड़ भी खिलाया। तो वहीं रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह त्यौहार भाई बहन के अटूट रिश्ते का त्यौहार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में किस तरह से रक्षाबंधन को लेकर प्रदेशवासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं, हार्दिक बधाई दी है। कहा कि पावन पर्व हम सभी में एक दूसरे के प्रति सम्मान, सहयोग और सद्भाव की भावना का संचार करे, यही कामना है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एक बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी सामने आ रही है जिससे आपको रूबरू करा दें। ब्रेकिंग न्यूज, सैफई में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। रक्षाबंधन पर अखिलेश यादव ने राखी बंधवाई है। सपा नेताओं से भी मिले हैं अखिलेश यादव। इस वक्त की बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की बैठक पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। गठबंधन तैयार होगा, बीजेपी रवाना होगी। सैफई में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह बयान दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षाबंधन के मौके पर सैफई में अखिलेश यादव हैं और इस मौके पर एक तरफ जहां उन्होंने रक्षाबंधन का पर्व मनाया तो साथ ही साथ जो इंडिया गठबंधन की बैठक है उसको लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि गठबंधन तैयार होगा और जो भारतीय जनता पार्टी है वो जाएगी। गठबंधन तैयार होगा, बीजेपी की सरकार जाएगी, ये कहना है अखिलेश यादव का। सपा नेताओं से भी मुलाकात की है अखिलेश यादव ने। तो भाई मुंबई में आज इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है जिसे लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ी टिप्पणी की है। डिप्टी सीएम ने इस बैठक पर निशाना साधते हुए कहा कि भले ही इन लोगों को लोकसभा में सीटें बढ़ें या ना बढ़ें, लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन में खींचतान पर तंज कसा और कहा कि हो सकता है जल्द ही इन लोगों के बीच में एक दूसरे में लंगड़ी मार का खेल शुरू हो जाए। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, कोई भी गठबंधन, कोई भी ठगबंधन तीसरी बार प्रचंडतम बहुमत की मोदी सरकार को बनने से रोक नहीं सकता। मैं कल भी देखा हूं, आज भी देखा हूं, कोई 26 दल बताता है कि यूपीए गठबंधन का हिस्सा है, कोई 28 दल बताता है। अभी तक यह जो घमंडिया गठबंधन है इसके 6 दलों के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं, 22 दलों के अभी आना बाकी हैं। मैं यह मानता हूं कि देश की जनता यह जानती है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने एक विकास का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। देश की जनता का विश्वास और भरोसा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर है, भारतीय जनता पार्टी पर है। विपक्ष की व्याकुलता केवल सत्ता में पहुंचने को लेकर के है कि कैसे सत्ता में पहुंचे, कैसे जो भ्रष्टाचार किए हैं, जो पाप किए हैं, जो जिसकी जांच हो रही है, जिसमें कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई हो रही, उससे कैसे बचा जाए।
देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव सपा शिवपाल यादव राखी बंधवाने अपनी बड़ी बहन के घर इटावा पहुंचे, जहां उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि 2024 में बीजेपी सत्ता से हटेगी, इंडिया गठबंधन बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देगा। 24 में भारतीय जनता पार्टी हटे और समाजवादी पार्टी और जो इंडिया गठबंधन बना है वो भारतीय जनता पार्टी को देश से अब हटा दे। भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से ग्राफ गिरा हुआ है और दिनों दिन गिरता जाएगा, इसलिए कि इन्होंने 9 साल में देश की जनता के लिए कोई काम ही नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है, केवल मीडिया में प्रचार। और अच्छा, काम कोई अगर किया है तो आप ही लोग बता दो, कितने साल से लगातार बढ़ा बढ़ा करके जनता को लूट लिया है। और देखिए, 700 रुपये से लेकर के 1200 रुपये ले गए जी, 1200 रुपये, और अभी भी 1000 के पड़ेगा जनता को, तो 1000 का पड़ेगा। देश भर में हजारों की संख्या में भक्त रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंच रहे हैं, जहां महिलाएं बांके बिहारी जी को अपना भाई मानकर उन्हें राखी बांधने के लिए आई हैं। और आपको बता दें कि बांके बिहारी को कई हफ्ते पहले से ही हजारों की संख्या में महिलाएं अपने पत्र और राखियां भगवान के नाम भेजती नजर आईं। हर साल बड़ी संख्या में महिलाएं रक्षाबंधन का त्यौहार भगवान कृष्ण के साथ मनाती हैं, और आज भी इसी तरह की भीड़ सुबह से ही बांके बिहारी जी के मंदिर में देखी जा रही है। ठाकुर जी की बहनें जो है वो राखी लेके आ रही हैं, गोला लेके आ रही हैं, मिठाई ला रही हैं, ठाकुर जी का तिलक ला रही हैं और हम लोगों को लाके दे रहे हैं, तो हम ठाकुर जी के हस्त कमल पर वो राखी बंधवा रहे हैं और बांध के उनको कुछ ठाकुर जी का प्रसाद ही कुछ दे देते हैं। और प्रातःकाल से ही प्रारंभ है और अभी शाम तक ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि आज पूरे दिन जो है ठाकुर जी का रक्षाबंधन है, पूर्णमासी है। लगभग कितनी अभी तक राखियाँ ठाकुर जी को बांधी? हजारों से ऊपर। पत्र तो आपके कल ही पत्र सबरे खोले गए थे ठाकुर जी के, और उसका दिखाया भी गया था मीडिया वगैरह पर भी दिखाया था कि जब वो तो आए हैं तो वो सबरी ठाकुर जी का अर्पण करें, सब सवेरे रात हाथों में ठाकुर जी की राखी बांधी, जिस समय ठाकुर जी के दर्शन खुले उससे पहले ही ठाकुर जी के हाथ में राखी बांध के ठाकुर जी के दर्शन खोले गए, ठाकुर जी का तिलक हुआ। तो जितनी बहनें अपनी राखियाँ भेज रही हैं पत्र के द्वारा, कोई कुरियर के द्वारा, कोई किसी के द्वारा, और स्वयं आके दे रही हैं, तो वो ठाकुर जी का उस समय उनके सामने ही तिलक करके ठाकुर जी के हाथ में राखी बांध के और उनको प्रसादी वापस दे दी जाती है। तो भूतड़ा, नमस्कार वृंदावन वासियों को। पहले तो आज रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन पे राधे के दर्शन किए हैं, भगवान को राखी बांधी है, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? देखिए, आज स्पेशली हम इसी के लिए आए हैं कि हम रक्षाबंधन पे भगवान को राखी बांध सकें, और मन में तो देखिए ये अच्छा ही लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जिस हिसाब से भीड़ रहती है आज उस अकॉर्डिंग भीड़ कम है, और उस अकॉर्डिंग हमें बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। और वृंदावन आके तो आपको भी पता है प्रभु के चरण में आके कैसा लगता है। तो पहली बार आए हैं या इससे पहले भी? नहीं नहीं, वृंदावन तो हम बचपन से ही आ रहे हैं, क्योंकि प्रभु से तो बचपन से ही नाता है हम लोगों का। तो वहीं आगरा में जेल में बंद भाइयों को बहनें रक्षाबंधन मनाने के लिए और राखी बांधने के लिए पहुंची। यहां पर 4 भाइयों को राखी बांधने आई एक बहन भाई को देखकर रोने लगी। तभी कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति निरीक्षण करने पहुंचे हुए थे और वो भाई से लिपटकर रो रही बहन को देखकर भी भावुक हो गए, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि भगवान ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो कि वो जेल आए। मैं भी भावुक हुआ हूँ, बहनों का और भाई मिले हैं, बहुत सी बहनें रोई हैं, एक परिवार आया, 4 भाई, 4 और 4 रेल में उसकी माँ बेटी बहन, कष्ट होता है देख करके। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी घटित घटना हो कर वो जेल में आए। तमाम कैदी ऐसे हैं वो अपने आप को निर्दोष मानते हैं, ये तो काम न्यायालय का काम है, न्यायालय बताएगा क्या है कैसा है, जब साक्ष्य सामने आएंगे तो।
आज पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस त्यौहार पर देश भर से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी कुछ तस्वीरें उत्तर प्रदेश की भी सामने आई हैं, जहां लखनऊ, मुरादाबाद, बाराबंकी और सहारनपुर में किस तरह से रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया वो इन तस्वीरों में देखिए। जहां जेल की दीवारें भी भाई बहन के प्यार को नहीं रोक सकी, रक्षाबंधन पर बहनों ने जेल के में बंद अपने भाइयों के हाथों में राखी बांधी है। देखिए, माननीय मंत्री जी द्वारा और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एवं डीजी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी बहनें आ रही हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो और उनके लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। इसी क्रम में हम लोगों ने बहनों के लिए जलपान की भी व्यवस्था किया है और सुबह से ही हमारे पूरे कर्मचारी तैनात हो गए हैं कि जिससे किसी प्रकार की उनको परेशानी न हो और सभी बहनें मुँह मीठा करके आएँ और अपने भाइयों को राखी बांधे। इंतज़ाम बहुत ही अच्छा था, बाहर भी पानी और मिठाई वगैरह भी रखी हुई है, अंदर भी सिस्टम बहुत अच्छा है, आराम से बैठ करके राखी वगैरह भी बांध सकते हैं और मिठाई वगैरह भी ला सकते हैं जो कभी नहीं लाए अभी, मतलब खाने पीने की चीज़ें बाहर की पैकेट के अलावा नहीं ला सकते थे, मिठाई वगैरह भी मना थी लेकिन आज सब अच्छे से खिला पिला सकते हैं, ये सब चीज़ें भी अच्छी लग रही हैं। और मैं सबसे छोटी हूँ, बस मेरा भाई है, 1.5 साल के बाद अपने भाई को देख रही हूँ मैं, क्योंकि मैं घर पे नहीं रहती हूँ, मैं बाहर रहती हूँ, डॉक्टर हूँ। सुविधा बाकी दिनों से अच्छी रही है, नाम भी जल्दी लिख गया और मिलाई जो पहले टाइम से होती थी 11 बजे वो आज जल्दी हुई है, 9:30 बजे के आसपास हो गई है। स्वागत भी अच्छा हुआ है, मिठाई भी खिलाई गई, पानी वानी पिलाया गया और बाकी वहाँ मोहर वोहर लगाने में भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, आराम से लग गया। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर भाई बहन का एक साथ उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में चयन हुआ है। दोनों की इस बड़ी उपलब्धि पर उन्हें बड़ा उपहार दिया गया है और साथ ही दोनों भाई बहन ने अपने परिवार का भी मान बढ़ाया। आगरा के नगला अर्जुन में रहने वाली शैलजा की 51वीं रैंक आई है, जबकि उनके भाई सुधांशु की 276वीं रैंक मिली। इनके पिता आरबी मौर्य भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। तो वहीं लखनऊ में सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव मोहित यादव के परिवार से मिलने पहुंचे और आपको बता दें कि बस कंडक्टर मोहित यादव ने आत्महत्या की थी। कुछ यात्रियों को नमाज पढ़ाने के लिए 2 मिनट बस रोकने पर मोहित यादव को सस्पेंड कर दिया गया था। जानकारी के मुताबिक आसपास के लोगों ने कहा कि नौकरी जाने के बाद आर्थिक तंगी के चलते मोहित यादव काफी ज्यादा परेशान था। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और फटाफट अंदाज में 18 मंडल पर एक नजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर रक्षाबंधन की प्रदेशवासियों को दी बधाई और ढेरों शुभकामनाएं, कहा भाई बहन के प्रेम को समर्पित है रक्षाबंधन। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा रक्षाबंधन का पर्व, यूपी में 347 अतिरिक्त बसों का किया जा रहा है संचालन। अयोध्या के 5000 मंदिरों में बना रक्षाबंधन का पर्व, रामलला की कलाई पर सजी बहन सुभद्रा की राखी, संतों ने भगवान को राखी बांधकर लिया आशीर्वाद। बहराइच में बहनों को मिली लाखों की सौगात, भाइयों ने 5 लाख रुपए का लाभ देने वाला आयुष्मान कार्ड सौंपा, 14 ब्लॉक में हुआ रक्षाबंधन पर कार्यक्रम का आयोजन। बलरामपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देवीपाटन मंदिर में की पूजा अर्चना, गौशाला में गायों को गुड़ भी खिलाए। मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक आज, 28 दलों के दिग्गज नेता शामिल होंगे। सपा से अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और आरएलडी से जयंत चौधरी रहेंगे मौजूद। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत पर अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर तंज, कहा 100 महीनों की लूट फिर 200 रुपए की छूट। भारतीय जनता पार्टी मनाएगी विमुक्ति दिवस समारोह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी होंगे शामिल, मंत्री अनिल राजभर के नेतृत्व में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में समारोह का होगा आयोजन। बस्ती में ट्रेलर गाड़ी से टकराकर रोडवेज बस घर में घुसी, 16 लोग घायल, 4 की हालत है ज्यादा गंभीर। सहारनपुर में पुलिस को मिली कामयाबी, किशन हत्याकांड का हत्यारा गिरफ्तार, सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने की कार्रवाई। इटावा में हाईवे पर हादसा, मोपेड गाड़ी में लगी आग, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू।
रायबरेली में बाइक सवार युवक को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, बच्ची सहित दो की मौत दो घायल, मामले की तफ्तीश जारी। झांसी में टैंकर डॉग की बीमारी के चलते मृत्यु, 11 साल तक पुलिस विभाग में किया काम, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। देवरिया में डीएम ने किया निर्माणाधीन सीड स्टोर का निरीक्षण, कई गंभीर खामियां मिलने पर जताई नाराजगी, सुधार के दिए दिशा निर्देश। फरुखाबाद में खनन माफिया हुए बेखौफ, खुलेआम कर रहे हैं मिट्टी का खनन, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। ललितपुर में प्रशासन का बुलडोजर चला, सरकारी जमीन पर था अवैध कब्जा, एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार ने मुक्त कराई जमीन। इटावा में हाईटेंशन तारों की चपेट में आया सारस, मौके पर ही हुई मौत, वन विभाग ने शव का पोस्टमार्टम कराया। बदायूं में युवक की चाकू गोदकर हत्या, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और इस बीच आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा दें, बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। दरअसल राजभवन में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया है। लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी, राजभवन पहुंचे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से उन्होंने राखी बंधवाई है। आनंदीबेन पटेल ने मिठाई भी खिलाई प्रदेश के मुख्य सचिव को और राजभवन में यह पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए जनता टीवी।